और इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे दें, जिन्ना पर बोले बीजेपी सांसद सतीश गौतम, एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हम हटाएंगे, जिन्ना की तस्वीर पाक भेजेंगे, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिलवाएंगे। वहीं दूसरी बार अलीगढ़ से जीते हैं सतीश गौतम। एएमयू में दरअसल 1938 से वहां जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, और इससे पहले भी बीजेपी सांसद सतीश गौतम और महेश गिरी ने जिन्ना की तस्वीर होने की निंदा की थी। और बीते दिनों भी आपने तस्वीरें वहां की देखी होंगी, किस तरह की अभद्र नारेबाजी यूनिवर्सिटी के अंदर की गई थी जब ये विवाद गरमाया था। और अब बड़ा बयान दिया है सतीश गौतम ने। सतीश गौतम ने कहा है कि एएमयू में जो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसे हम हटाएंगे, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण हम दिलवाएंगे, दूसरी बार अलीगढ़ से जीते हैं सतीश गौतम। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। जिन्ना की तस्वीर दरअसल सन 1938 से लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, और विरोध बार बार उस तस्वीर का होता रहा है। इससे पहले भी सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी के सांसद निंदा कर चुके हैं, अब फिर कह रहे हैं कि अब इस तस्वीर को हम पाकिस्तान भिजवाएंगे। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें जिन्ना की तस्वीर एक कमरे में लॉक है, उसको पाकिस्तान भिजवाना, एससी एसटी और ओबीसी बच्चों को आरक्षण दिलवाना, अपने छात्र नेता जो यूनिवर्सिटी का छात्र नेता अजय सिंह, उसकी मांगों को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। तो दूसरी बार अलीगढ़ से जीत हासिल की है सतीश गौतम ने। जिन्ना पर बोले हैं बीजेपी सांसद सतीश गौतम कि एएमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर हम हटाएंगे और इस तस्वीर को हम पाकिस्तान भेजेंगे। रिजर्वेशन की बात भी सतीश गौतम ने की है। एससी एसटी ओबीसी को हम आरक्षण दिलवाएंगे, जो छात्र पढ़ने वाले हैं उन्हें हम रिजर्वेशन दिलवाएंगे। दूसरी बार अलीगढ़ से जीत हासिल की है सतीश गौतम ने। हमारे सहयोगी हमारे साथ वासुदेव जुड़ गए हैं। वासुदेव, जिन्ना की तस्वीर पर पहले भी बहुत हंगामा हुआ, अब एक बार दूसरी बार फिर से अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने जीत हासिल की है और कहा है कि जिन्ना की इस तस्वीर को मैं पाकिस्तान भिजवाऊंगा, और एक बार फिर से रिजर्वेशन की बात। देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठे ये बवाल पहले सियासी मुद्दे भी रहे हैं, और इससे सियासत की काफी तेज होती रही है। इस तरीके से चुनाव के पहले चाहे जिन्ना की तस्वीर का मामला हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का मामला हो, ये बड़े मुद्दे अलीगढ़ में रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन मुद्दों पर बोल चुके हैं, और सतीश गौतम जो कि वहां के सांसद थे, जो लगातार बीजेपी की तरफ से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जिन्ना की खिलाफत मुखालफत करते रहे हैं और आरक्षण की बात करते रहे हैं। हाँ। यही वजह है कि जिस तरीके का प्रचार उन्होंने किया, जिस तरीके का अपना एक स्थानीय फिगर डेवलप किया, उसकी जीत मान रहे हैं सतीश गौतम। और अब जब चुनाव जीत गए हैं तो उन बातों, उन मुद्दों पर अब आगे बढ़ने की बात बीजेपी की तरफ से बार बार कहा गया है कि एएमयू में आखिर जिन्ना की तस्वीर का क्या मतलब है, और जिन्ना की तस्वीर अपने देश में कहीं भी लगाई जाए उसकी निंदा होती रही है। बहुत शुक्रिया वासुदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए।